स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह इज़ वेरी मर्सीफुल। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताए थे, तो इस लेक्चर में मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताऊंगा कि किस बेस पे हम जो है ना वो कह सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्लीट, इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, ये एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन गई है। तो बेसिकली जो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सारों का सिंटैक्स भी सेम है, उन सारों का तरीकाकार तकरीबन सेम ही है, बस थोड़ा बहुत होता है कि कुछ लिखने का स्टाइल या इस तरह से ये चीज़ें चेंज होती हैं। तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो उसको, वो पांच उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये पांच कंपोनेंट्स मिलकर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। एक उसके अंदर होता है वेरिएबल, एक होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर, एक होता है डाटा स्ट्रक्चर, फिर सिंटैक्स, और लास्ट में हमारे पास होता है टूल्स। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको हम बैकबोन भी कह सकते हैं प्रोग्राम की। और जब अगर हम विकिपीडिया के मुताबिक देखें तो उसके मुताबिक इसकी डेफिनेशन क्या है कि इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज़ अ स्टोरेज लोकेशन एंड एन एसोसिएटेड सिम्बॉलिक नेम विच कंटेन्स सम नाउन और अननाउन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अ वैल्यू। और नॉर्मल अगर हम मैथमेटिकल के परस्पेक्टिव के लिहाज से हम देखें तो उसमें भी हम कोई ना कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू 20, अब इसका मतलब क्या है कि जो 20 वैल्यू है वो एक्स के अंदर स्टोर हो गई है। तो ये जो वेरिएबल होता है ये किसी भी वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। और चूंकि एक जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो सेल्स के ऊपर कंसिस्ट होती है, तो जब तक हम एक वैल्यू को कोई ना कोई वेरिएबल असाइन ना करें वो उस लोकेशन के अंदर स्टोर नहीं होता। तो ये स्टोर करवाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम उसको लेटर इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, उसके बाद आगे आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है कि इट इज़ द ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग दैट एनालाइजेज वेरिएबल्स एंड चूजेज अ डायरेक्शन इन विच टू गो बेस्ड ऑन गिवन पैरामीटर्स। तो ये कोई भी एक जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो जब वो उसको कंपाइल करते हैं यानी जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो क्या करता है कि वन बाय वन लाइन को लेफ्ट टू राइट या टॉप से बॉटम एक एक चीज़ को पढ़ता जाता है। तो अगर हम उसके फ्लो को चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये लेट्स सपोज के थर्ड लाइन के बाद आने के बाद डायरेक्ट किधर चला जाए, दसवीं लाइन पे चला जाए, या टेंथ लाइन के आने के बाद डायरेक्टली ये 100 नंबर लाइंस के ऊपर चला जाए, तो इसके लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। तो वो मैंने आपको बताया कि वो डिफरेंट कंडीशंस वगैरह यूज़ होती हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ होते हैं जिनकी मदद से हम इसको मूव करवाते हैं। उसके बाद आ गया है डाटा स्ट्रक्चर। जिस तरह के ये नेम से शो है कि हम अपने डाटा को किसी पार्टिकुलर वे में उसको स्टोर करवाएंगे और उसके बाद फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करवाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप कॉन्टैक्ट लिस्ट देख लें अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो अब उसमें क्या दिया होता है कि पहले अल्फ़ाबेटिकली स्टोर होते हैं, अब यानी ए बी सी इस तरह से। अब आपने जैसे कोई जहीर नाम से कोई सर्च करना है तो आप डायरेक्टली किधर जाएंगे, जी वाले लिस्ट के अंदर जाएंगे, तो वो वहाँ पर आप देखेंगे तो वो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाएगा। तो ये डाटा स्ट्रक्चर होता है, यानी किसी डाटा को एफिशिएंटली वे में उसको स्टोर करना और फर्दर यूज़ के लिए हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स विच आर यूज टू डिफाइन द कम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स दैट आर कंसिडर टू बी करेक्टली स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स इन दैट लैंग्वेज। इन कोई भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने से पहले हम उसके सिंटैक्स को देखते हैं। अब जैसे कोई हम प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, इन कोई उसके जो रूल्स होते हैं, जो उसको लिखने का तरीकाकार होता है, जो उसके लिए वर्डिंग यूज़ की हुई है। अब जैसे मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इफ़ का वर्ड यूज़ करूँगा, अगर मैं लूप लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए फॉर वाइल ये चीज़ें यूज़ करूँगा, तो ये हमारे पास सिंटैक्स होता है। उसके बाद आगे आता है टूल्स। टूल क्या होता है, टूल बेसिकली होते हैं जो हम प्रोग्रामिंग के दौरान सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम उस अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम लिखते हैं, यानी अपने प्रोग्राम्स को लिखने का जो आसान तरीका है वो हम किसके ज़रिए करते हैं, टूल्स के ज़रिए करते हैं।
और ये बहुत ज़्यादा टूल्स मौजूद हैं, और इसमें फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल इन माय ओपिनियन इज़ IDE. IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और जो हमारा टर्बो सी प्लस प्लस है और इस तरह से बाकी जो हैं उनका भी IDE काफ़ी अच्छा होता है. यानी उसके अंदर इसके IDE बेसिकली होता है कि जिसके अंदर आप प्रोग्राम एडिट कर सकें, प्रोग्राम क्रिएट कर सकें, प्रोग्राम डेवलप कर सकें, उसको डिबग कर सकें, उसको कंपाइल कर सकें, ये जो चीज़ें परफॉर्म करता है उसे हम क्या बोलते हैं, IDE बोलते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली इसके 5 टूल्स थे जो कि कंप्लीट हुए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर मिलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.